लेखना बेटी हे सखी जो लिखिया करता। आ एक लाइन बज गई है, गुरदेव जी कहते खत्म नहीं होनी है, ये नहीं हो मिटनी, क्योंकि पक्की लाइन है, लिखता हुआ काम मैं कि लाइन बज गई है। हुण इहनू किदां खत्म करिए, इहनू किदां बचाइए कि आ इस चीज़ के कोलों छुट जाइए असी, कि सानू रीइनकरनेशन साइकल दे विच ना आना पवे, जन्म मरण च ना आना पवे, ते की करांगे असी। एक वड्डी सारी लाइन इहदे लागे वधी गई, वड्डी सारी लाइन, ये लाइन किन्नी होजूगी, बहुत छोटी रह जूगी ना, वो तो खत्म होनी नहीं सी। ये लाइन छोटी तां रहूगी जो उहदे लागे उदों कई गुणा वड्डी लाइन बनाई जाऊगी। वह वड्डी लाइन हैगी आ सेवा करके, चंगे काम करके, सिमरन करके, भजन बंदगी करके, अपने जीवन को इन्ना उच्चा लै जाइए कि वह जी चीज़ है कित इन्नी की बस इदा ही चले जाए, इदा ही खत्म हो जाए। इस तरह से जो अपना ये इस बंधन को छुट सकते। दूसरा गुरु के कोल जो आ गए हैं, गुरु जी जो अमृत छकते पंच प्यारे साहबान की कहें, अज तो तेरी जात गोत धर्म कर्म सब नाश कहते हैं ना, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਕਰਾਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੰਜ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਤਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਡਿਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ।